पहले T20 टीम प्लेइंग 11 का हुआ ऐलान। सूर्या ने तीन तीन खिलाड़ियों को सुनाया बाहर का फरमान। मयंक यादव को लेकर आया बड़ा अपडेट। चार चार ऑलराउंडर्स को मिली टीम में जगह। टीम इंडिया का अगला मिशन है बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की T20 सीरीज खेलना, और इस सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा, और ये मैच 6 अक्टूबर को शाम 7 बजे शुरू होगा। 7 बजे टॉस होगा और 7:30 बजे से मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस पहले T20 मैच के लिए कैसी रह सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, इस सीरीज के लिए टीम का ऐलान तो पहले ही हो चुका है और इस सीरीज में कई सारे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है, तो ऐसे में आपको इस सीरीज में ढेर सारे युवा खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए खेलते हुए नजर आने वाले हैं, और कुछ खिलाड़ी तो अपना डेब्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पहले T20 मैच में कैसी रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। देखिए, इस सीरीज के लिए यशस्वी जायसवाल को आराम दिया गया है और रोहित शर्मा पहले ही T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं, और इस सीरीज के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की जोड़ी जो है वो आपको टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करती हुई नजर आएगी। अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में अपने बल्ले से धमाल मचा दिया था और कमाल करते हुए कई मुकाबलों में सनराइजर्स हैदराबाद को तूफानी स्टार्ट दिलाई थी, तो ऐसे में अभिषेक शर्मा जो है वो आपको इस सीरीज में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, और उनके जोड़ीदार के तौर पर संजू सैमसन आपको टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ सकते हैं। बात हो गई टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी की, अब बात कर लेते हैं नंबर 3 की। तो नंबर 3 पर खुद कप्तान सूर्य आएंगे और अपना जलवा दिखाएंगे। सूर्य कुमार यादव मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाते हैं और विरोधी टीमों के पसीने छुड़ाते हैं, और वैसे भी बतौर कप्तान ये सूर्य की दूसरी सीरीज है। इससे पहले वो श्रीलंका में जीत का पर्चम लहरा चुके हैं और अब वो इस सीरीज में बांग्लादेश का भी क्लीन स्वीप करना चाहेंगे। बात कर लेते हैं नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर आपको दिखाई देंगे कुंफू पांड्या, हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाएंगे और बांग्लादेशी टीम के खिलाड़ियों के पसीने छुड़ाएंगे, और वैसे भी हार्दिक पांड्या जो है वो इस सीरीज में अपने बल्ले का दमखम दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी लंबे समय के बाद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या ने आखिरी जो मुकाबला खेला था वो श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज का मैच था, उसके बाद से ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले, तो ऐसे में हार्दिक पांड्या भी सीरीज में अपना दमखम दिखाना चाहेंगे। तो ये तो बात हो गई नंबर 4 की, बात कर लेते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर आएंगे शिवम दुबे, जो बांग्लादेशी स्पिनर्स पर अटैक करेंगे और लंबे लंबे छक्के लगाएंगे और मिडिल ओवर से बांग्लादेशी गेंदबाजों की इकोनॉमी को खराब कर देंगे, तो ऐसे में शिवम दुबे आपको नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर आपको दिखाई देंगे रियान पराग। रियान पराग जो है वो एक ऑलराउंडर का किरदार निभा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने गेंदबाजी भी की थी और बल्लेबाजी भी की थी। हालांकि गेंदबाजी में तो वो सीरीज उनके लिए ठीक ठाक रही थी, लेकिन बल्लेबाजी में वो कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन अब रियान पराग के पास ये अच्छा मौका होगा कि वो अपने बल्ले से भी अपना दमखम दिखाएं और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाएं। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की, तो नंबर 7 पर आपको दिखाई देंगे रिंकू सिंह। रिंकू सिंह एक फिनिशर का किरदार निभाएंगे, और देखिए रिंकू सिंह को जब जब टीम इंडिया के लिए फिनिशर का किरदार निभाने का मौका मिला है उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, शानदार प्रदर्शन किया है, तो ऐसे में एक बार फिर से रिंकू सिंह से काफी ज्यादा उम्मीदें रहने वाली है। नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर आपको दिखाई देंगे वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और स्पिन गेंदबाजी से बांग्लादेशी टीम को परेशान भी कर सकते हैं, तो ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। दूसरे स्तर के तौर पर आपको रवि बिश्नोई दिखाई देंगे, जो अपनी घूमती हुई गेंदों से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे और उनके विकेट चटकाएंगे और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाएंगे। चलिए बात हो गई नंबर 9 की, अब बात कर लेते हैं नंबर 10 की, तो नंबर 10 पर आपको दिखाई देंगे लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो नई गेंद से धमाल मचाएंगे, बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशान करेंगे और टीम इंडिया को पावर प्ले में विकेट दिलाने की कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 11 की। नंबर 11 पर आपको एक नया खिलाड़ी खेलता हुआ दिखाई दे सकता है। यह खिलाड़ी अपनी धार और रफ्तार से पूरी दुनिया में अपना नाम कमा चुका है। यह खिलाड़ी कोई और नहीं है, इस खिलाड़ी का नाम है मयंक यादव। मयंक यादव ने आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए डेब्यू किया था और उन्होंने अपनी धार और रफ्तार से खूब वाहवाही बटोरी थी, और इस सीरीज के लिए मयंक यादव को भी टीम में चुना गया है, तो ऐसे में हो सकता है कि पहले T20 मैच में ही वो आपको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे और अपनी धार और रफ्तार से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को परेशान करते हुए नजर आए, तो कुछ इस तरह की दिखाई दे सकती है पहले T20 मैच में टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11। चलिए आपको एक बार फिर से पूरी की पूरी प्लेइंग 11 जो है वो दिखा देते हैं। इस सीरीज के पहले मुकाबले में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आपको ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव आएंगे। नंबर 4 पर आपको दिखाई देंगे हार्दिक पांड्या। नंबर 5 पर शिवम दुबे। नंबर 6 पर रियान पराग। नंबर 7 होगा रिंकू सिंह का नाम। नंबर 8 पर वॉशिंगटन सुंदर। नंबर 9 पर रवि बिश्नोई। नंबर 10 पर दिखाई देंगे अर्शदीप सिंह। और नंबर 11 पर आपको अपना डेब्यू करते हुए नजर आएंगे मयंक यादव। तो कुछ इस तरह की रहने वाली है पहले T20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस तरीके से टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर दिया था, क्या टीम इंडिया T20 सीरीज में भी बांग्लादेश का क्लीन स्वीप कर पाएगी? क्या टीम इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज भी जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा।